हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका जीनियस चेस में। आज हम बात करने जा रहे हैं टीना दत्ता की, जो एक इंडियन फिल्म एक्ट्रेस और फिलहाल बिग बॉस 16 की कंटेस्टेंट है। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं टीना के लाइफ स्टाइल, नेटवर्थ और उनके अनकहे अनसुने तथ्य। तो यदि आप भी टीना दत्ता को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। टीना दत्ता का जन्म 27 नवंबर 1991 को कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ। उनका रियल नेम तनिषा दत्ता है और निक नेम तंजी है। उनके पिता का नाम है तपन कुमार दत्ता और मां का नाम मधु दत्ता है। उनकी उम्र 31 साल की है और अपनी एज के बारे में टीना बताती हैं कि ये मेरे लिए सिर्फ एक नंबर है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मेघमाला रॉय एजुकेशन सेंटर बेहाला और सेंट बोर्डिंग स्कूलिंग किदरपुर से की और फिर अपनी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से पूरी की। चलिए बताते हैं उनके करियर के बारे में। दोस्तों, टीना ने 5 साल की उम्र से ही एक्टिंग शुरू कर दी थी। इन्होंने 1996 में टीवी सीरियल सिस्टर निवेदिता में एज अ चाइल्ड एक्टर काम किया और फिर 1997 में बंगाली फिल्म पिता माता संतना में दिखी। इसके बाद 2003 में टीना ने ठरक और छोकर बाली में काम किया और दोस्तों आपने विद्या बालन की 2005 में आई मूवी परिणीता तो देखी होगी। इसमें टीना ने यंग विद्या बालन का किरदार निभाया था। वैसे तो टीना बंगाली और बॉलीवुड के कई छोटे और बड़े किरदार निभा चुकी हैं, लेकिन जिनसे उन्हें मुख्य पहचान मिली वो था 2009 से 2015 तक चलने वाला सीरियल उतरन, जिसमें इच्छा का किरदार निभाकर वो लाइमलाइट में आई। उन्होंने कई रियलिटी शोज भी किए जैसे फेयर फैक्टर और खतरों के खिलाड़ी। आखिरी वेब सीरीज जो उन्होंने की थी वो थी 2020 में नक्सलबारी और इसके बाद वो कहीं नजर नहीं आई। लेकिन अब उन्हें 2022 में बिग बॉस 16 में देखा जा रहा है और खूब पसंद भी किया जा रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ वाद विवाद के बारे में। 5 साल तक टीना एक रिलेशन में थी जिसके अंत में उन्हें काफी तकलीफ भी पहुंची। काफी कम लोग ये बात जानते हैं कि वो परेश मेहता के साथ रिलेशन में थी जो एक बिजनेसमैन थे। उन दोनों की मुलाकात एक म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए हुई। बाद में ब्रेकअप की वजह बताते हुए टीना ने बताया कि उस शख्स ने उन्हें फिजिकली और मेंटली काफी परेशान किया था। पॉपुलर शो उतरन में रश्मि देसाई, जो बिग बॉस सीजन 15 के कंटेस्टेंट रह चुकी हैं, उनके और टीना के रोज उतरन में काफी पॉपुलर रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआत में दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच कड़वाहट पैदा होने लगी और दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली। टीना दत्ता ने अपने को स्टार मोहित मल्होत्रा पर छेड़खानी का आरोप लगाया था। टीना ने बताया द डायन शो की शूटिंग के दौरान एक इंटीमेट सीन को शूट करते हुए मोहित ने उन्हें गलत ढंग से छूने की कोशिश की थी, जिसके बाद वो सेट पर खूब रोई। उनका इतना बुरा हाल देखकर काफी हंगामा भी था। वहीं टीना ने एक फोटो शूट कराया था जिसे लेकर मीडिया पर काफी बवाल मचा। न्यूड अंकित भाटिया पर बैठकर टीना ने फोटो शूट करवाया था जिसके बाद उन्हें जमकर ट्रॉल किया गया। तो चलिए अब आपको बताते हैं उनके हाउस और इनकम के बारे में। फिलहाल टीना अपनी फैमिली के साथ मुंबई महाराष्ट्र में रहती है, लेकिन वो अपने होम टाउन वेस्ट बंगाल जाती रहती है। एक एपिसोड में काम करने के लिए टीना लगभग 65,000 से 70,000 चार्ज करती है और ज्यादातर उनकी इनकम ब्रांड एंडोर्समेंट से हो जाती है और इससे वो लाखों रुपए कमा लेती हैं। दोस्तों, टीना की टोटल नेटवर्थ लगभग 15 करोड़ है। कार कलेक्शन में उनके पास एक फॉर्च्यूनर और मर्सिडीज बेंज है जिनकी कीमत लगभग 1 करोड़ है। अगर टीना के रिलेशन की बात करें तो वो अभी अनमैरिड हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी टीना दत्ता की। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।